हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मंगलवार है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। एंड हाँ, मन को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी टाइम इज अराउंड 8:30। मैं अभी अभी राय को ड्रॉप करके आई हूँ। क्लब में नहीं, आज मैं आई हूँ अपने विलेज के पार्क में वॉक करने, क्योंकि इतना अच्छा इतना प्यारा मौसम है। तो मुझे लगा कि चलो बाहर चल के वॉक किया जाए। तो चलिए अभी मैं और बातें नहीं करती हूँ, लेट्स बिगिन आवर वॉक। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक घंटा टिल 9:45 में वॉक करूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो चलिए अभी बातें कम एंड वॉकिंग ज्यादा। एंड जस्ट लुक, कितना प्यारा मौसम है। लाइक दिस इज द परफेक्ट वेदर ना टू वॉक आउटसाइड, क्योंकि सुबह में धूप भी कम होता है। एंड ऐसे भी हम लोग को यहाँ पे अभी भी गर्मी तो नहीं है, बिकॉज आई एम वेयरिंग ए जैकेट। एंड मैं जैसे बोलती हूँ ना, हर वक्त होल डे में अगर मे बी फॉर 5 मिनट्स भी होना, हम लोगों का मी टाइम होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ वॉट आई फील। से कितना प्यारा लग रहा है, लाइक माई मी टाइम अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ऐसा यू नो वॉक करना। एंड हाँ, गाना सुनना जो मैं कर रही हूँ। फिर क्लब में तो वॉक करना इज़ ओके, बट मुझे ऐसा बाहर नेचर में वॉक करना ही बेस्ट लगता है। आप लोग बताना आप लोगों का मी टाइम क्या क्या है। एंड जब आप अकेले वॉक करते हैं ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, बट ना देन वील ऑलवेज थिंक अबाउट, लाइक दिमाग में ना मुझे लगता है जो पुराने, लाइक यू नो हम लोगों के पास्ट में क्या क्या हुआ था। एंड मोस्टली ना अच्छे मेमोरीज आते हैं। कहीं ना यूएस से मुझे वॉक करते करते ही प्यार हुआ था, बिकॉज जब आप वॉक करेंगे ना, यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जब हम लोग कार में बैठते हैं तो नहीं देखते हैं। तो चलिए लेट मी कंटिन्यू माई वॉक। फाइनली मेरा वॉकिंग खत्म। एंड वेट, में फोन को थोड़ा सैनिटाइज कर लेती हूँ। ऐसा तो आई डिडंट टच एनीथिंग, पर देन ऑल्सो ना जब मैं आती हूँ मैं अपना हाथ सैनिटाइज करती हूँ, फिर अपना फोन भी सैनिटाइज करती हूँ। एंड वेट, आप सबको मैं दिखाती हूँ। आज मैंने एक्चुअली इतना ज्यादा भी वॉक नहीं किया, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। सो टूडे आई वॉकड अराउंड, एक्चुअली ये थोड़ा इंक्रीज होगा और अराउंड 3.9 miles, अराउंड 8,300 स्टेप्स। पर मैंने देखा है ना, यहाँ पे स्टेप्स थोड़े लेट आते हैं, और थोड़ा इंक्रीज होगा। एंड आज काफी काफी क्या मैं बोलूंगी, एटलीस्ट आई थिंक सो एक साल के बाद मैं अपने फ्रेंड को मिली, राय की स्कूल फ्रेंड की मम्मी को। हम दोनों ना फोर्थ ग्रेड में वी बोथ वेयर क्लास पेरेंट्स। एंड वो साल ना मुझे मैं बहुत साल में क्लास पेरेंट्स थी, आई थिंक सो जब से फ्रॉम सेकेंड ग्रेड टू टिल फोर्थ ग्रेड मैं हर साल ही मैं क्लास पेरेंट थी, क्योंकि ना इट्स ए नाइस वे टू कीप योर सेल्फ बिजी। तो उस साल ना हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड घर में आने के बाद ना तुरंत मैंने बर्तन दे दिया है, तो अभी मैं नहाने चली जाऊंगी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, यू नो धूप तो है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं कपड़ा ना धो के दे दूँ। तो जब मैं नहाने गई थी ना, तब मैंने मशीन पे कपड़ा, बहुत ही थोड़ा मैंने कपड़ा दिया है, तो शायद वो हो गया है। तो कल रात को ना मैंने राजमा भिगो दिया था, एंड थैंक्स गॉड, मैं बोलूंगी आफ्टर 1 year मुझे अच्छा राजमा मिला, बिकॉज वो कश्मीरी राजमा तो कभी मुझसे बॉयल ही नहीं होता है। वेट 1 second, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, तो राजमा जब आप बॉयल करेंगे ना, मैं हर वक्त अभी वो चीज करती हूँ। वेट, मैं कैमरा को फ्लिप करती हूँ।
सी राजमा जब आप बॉयल करेंगे ना तो उसमें ना अगर आपके घर में बड़ी इलायची हो ना तो जस्ट ऐड टू बड़ी इलायची बॉयल करते वक्त, उससे जो राजमा का जो एरोमा होता है ना काफी अच्छा एरोमा निकल के आता है। तो आज मैं एक बार में मैं रेडी भी हो गई क्योंकि मुझे बाहर जाना है, बहुत दिनों के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है लाइक पुरानी जैसे मैं थी ना, यू नो कॉन्स्टेंटली बाहर जाना, अपने आप में बिजी रहना। तो आज वही दिन है क्योंकि आज अभी मैं सिर्फ राजमा बनाऊंगी एंड मैं रोटी बना लूंगी। रोटी तो डो मेरा ये स्वीट मशीन बना देगा, तो रोटी एंड मैं राजमा बनाऊंगी एंड उसके बाद ना मैं सोच रही हूँ 12 o'clock तक मेरा हो जाए, देन आई विल गो टू इंडियन स्टोर एंड उसके बाद मैं राय को आज 1 बजे लेके आ जाऊंगी स्कूल से, लाइक अर्ली डिसमिसल हम लोग कर लेंगे। क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने आप सबको बोला था जब हम लोग राय के ब्रेसेस लाइक टाइटनिंग करने गए थे कि राय का एक विजडम टीथ वो लोग ने बोला है कि निकालना पड़ेगा एंड यू नो तब हम लोग बहुत सोच रहे थे, इट्स नॉट समथिंग ना बोलेंगे इमीडिएटली आप लोग निकाल लेंगे, लाइक एज ए पेरेंट्स सभी का अलग अलग रहता है, हम लोग थोड़े डरपोक है एंड डेफिनेटली वी थिंक तो सोचना तो पड़ता ही है ना। तो यू नो मैंने जो नंबर दिया था उसमें मैंने फोन भी नहीं किया, पर अभी उसके ब्रेसेस का फिर टाइटनिंग का टाइम आ गया है तो कल आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, लाइक टुडे आई हैव टू गो एंड वो लोग मुझे लाइक सर्जरी के लिए डेट देंगे। एंड क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है ना, तो ट्रस्ट मी अगर आपको बहुत जल्दी खाना बनाना हो ना तो ऐसा ना कोई फ्लैट पैन लीजिएगा। एंड हाँ मैंने जैसे सब कुछ पेस्ट बना लिया है एंड वन मोर थिंग इज देयर विच इज एक्चुअली बैड कि अगर आपको जल्दी खाना बनाना है ना थोड़ा आपको ज्यादा ऑयल देना चाहिए, इससे क्या होता है जो सारे मसाले है ना बहुत जल्दी यू नो फ्राई एंड ऑल हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप कम ऑयल में खाना बनाएंगे तो आप देखेंगे ना मसाला यू नो भुनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑयल जब गर्म हो गया था फर्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा इलायची, सिनेमन स्टिक 1/4 टीस्पून ऑफ हींग, 1 टीस्पून ऑफ जीरा। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी मसाला का पेस्ट, इसमें है 1 मीडियम साइज अनियन एंड 2 टमाटर। तब ये जब अच्छी तरीके से भुन जाए फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ अनारदाना पाउडर। डेफिनेटली अनारदाना पाउडर अगर आपके पास हो ना तो ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत अच्छा एक क्या बोलूं बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है। फिर मैंने राजमा भी ऐड कर दिया है, जब भी मैं राजमा बनाती हूँ ना मैं बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड करती हूँ। तो मुझे ना लग रहा है कि राजमा थोड़ा कम लाइक थोड़ा हार्ड है, अगर मैं ऐसा ही रखूं तो भी हो जाएगा लाइक मैं कवर करके रख दूं तो, पर क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में हूं तो मैं फिर से प्रेशर कुकर में दे दूंगी और 3 सीटी में हो जाएगा, 3-4 सीटी में हो जाएगा। तो फाइनली जितना कपड़ा यू नो वॉश करके दिया था सभी इसमें हो गया है एंड ये क्लॉथ रैक ना मेरा इतना काम पे लगा है। मैंने ये कब खरीदा था आई थिंक सो मैंने 7 साल पहले खरीदा था जब हम लोगों ने नया नया ये घर खरीदा था। पहले ना इसमें पानी थोड़ा कमती हो गया था, लाइक हम लोगों को ना इतना हार्ड रोटी पसंद नहीं, सभी का अलग अलग टेस्ट होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट रोटी हम लोगों को पसंद है। तब मैंने और थोड़ा पानी दे दिया, बस इट इज डन एंड अभी मैं वो मैं आने के बाद ही ओपन करूंगी, इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो चलिए अभी फर्स्ट मैं इंडियन शॉप जाऊंगी, चलो बाय बाय श्रमिक। হয়ে যাবে না একটার মধ্যে আমি এসে যেতে পারবো না, মামামকে নিতে স্কুলে, হ্যাঁ হয়ে যাবে, ইটস 12 জাস্ট 12 হয় নাই হ্যাঁ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना कुछ भी ऐसा लाइक नजदीक नहीं है एंड इंडियन स्टोर में एटलीस्ट 15 मिनट्स तो लगेगा ही, तो मुझे लगा कि चलो टाइम है लेट मी यूज दैट टाइम। कोई कोई डे होता है ना वेयर यू फील लाइक डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, तो मुझे आज ऐसा लग रहा है। नहीं एक्चुअली कल ना मेरा बहुत अच्छा नींद हुआ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्या देख रही हूँ, चलिए मैं अभी आप सबसे बाद में बात करती हूँ। तो फाइनली खत्म एंड मैंने इतना कुछ लिया।
तो अभी मैं चली जाऊंगी राय के स्कूल. टाइम इज कितना हुआ है, या 8:26 हुआ है, तो अराउंड 20 मिनट्स लगेगा. एंड पहले यू नो जब भी पहले मैं शॉपिंग जाती थी ना, तो मैं सैनिटाइज करती थी, पर अब लाइक आने के बाद ना एवरीथिंग लाइक जिसको मैंने पकड़ा है ना, रूटीन करके मैं सब कुछ पोंछती हूँ. एंड एक्चुअली दिस इज क्वाइट गुड. मैं ना फिर रिमेनिंग मैं फिर इससे वाइप कर लेती हूँ. तो फाइनली अभी लास्ट स्टॉप वो है राय को पिकअप करना. एंड हाँ, मैं अभी मास्क पहन लूंगी. तो कभी कभी ऐसा होता है ना जहाँ पे हम लोग रायता फैला देते हैं, तो मैंने रायता फैला दिया है. रायता फैलाया है मतलब वो लोग ने ना हम लोगों को एक लाइक उसमें नंबर एंड ऑल कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ बोला था हाँ ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर के पास तुम लोगों को जाना है, बिकॉज वी नीड सर्जन राइट. और तो मैं बोला इस डॉक्टर के पास हम लोगों को तुमको जाना है. तो फिर ना मैंने जब सर्च किया गूगल पे, एंड यहाँ पे ना यूएस पे ना चारों तरफ से आपको सिर्फ डेंटिस्ट ही डेंटिस्ट मिलेंगे, इतने सारे डेंटिस्ट है. तो इन यहाँ तब ना मुझे बहुत सारे नंबर्स मिले, एंड वो लोग ने बोला था यहाँ पे ही है, लाइक हम लोगों के विलेज के यहाँ पे ही है. तो मैंने क्या किया, जिसके पास मुझे जाना था मैंने दूसरा एक डॉक्टर का ले लिया, बट ही इज ऑल्सो सर्जन. तो फिर आज मुझे अचानक से ना सुबह से वो मेरा ना हर वक्त होता है कुछ मैं गलत करती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है सही किया. तो सुबह से ना मुझे डाउट हो रहा था कि नहीं मुझे क्यों, जब मैंने वो डॉक्टर का नाम बोला वो लोग ने क्यों बोला कि वो डॉक्टर यू नो दूसरा एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं है. तो एनी हाउ तो फिर मैंने गलत डॉक्टर का ले लिया है. तो फिर मैंने फ़ोन किया, एंड जो डॉक्टर से मुझे लेना था उसका आज बिल्कुल भी फ्री नहीं है. एंड दे वर लाइक तुम कल का स्पॉट ले लो. फिर मुझे लगा कि नहीं चलो, ये ही इज़ ऑल्सो ए सर्जन ना, मैं उनसे कंसल्ट करके आती हूँ, ऐसे कंसल्टेशन करने में तो कुछ बुरा ही नहीं है ना. एंड देखते उनको लाइक आई माइट लाइक हिम ऑल्सो ना, क्योंकि मैं मेनी ऑफ यू आर डेंटिस्ट, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स. तो मैं क्या बताऊँ, आप लोग देख रहे हैं ना ये जो टीथ है ना, ये जैसा ये हम लोगों को निकालना है, एंड ये इसको धक्का मार रहा है. तो वो लोग बोल रहे हैं ये इसको धक्का मार रहा है, इसके वजह से इट सीम्स बाकी जो इतना अच्छा ब्रेसेस वो लोग ने ऐसा स्ट्रेट हुआ, इट सीम्स ऐसा हो जाएगा. पर एनी हाउ ये हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो निकालना ही पड़ेगा. तो थोड़ा रायता फैल गया है. तो यहाँ पे राजमा बन चुका है, मैंने प्रेशर से निकाल के ना फिर मैंने थोड़ा पैन पे दे दिया था, थोड़ा गर्म कर लिया था. एंड अभी मैं पी रही हूँ कोकोनट वाटर, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ सुबह से. एंड सुबह में ना सिर्फ मैंने एक बनाना खाया बंदर की तरह, ओट मिल ना मेरे लाइक गले से नहीं जाता ही, तो मुझे लगा चलो मैं एक बनाना खा लेती हूँ. एंड मैं नीचे गई ना, नीचे जाके मैं शॉमिक को बोल रही हूँ कि मैंने कितना सारा रायता फैलाया है. फर्स्ट तो राय का कोई जरूरत ही नहीं था राय को जल्दी लाने का, बिकॉज यू नो मैंने 4 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था, वो मैं भूल गई. मैं बोल रही थी ना अभी ना इतना सब कुछ मेरे दिमाग में हो रहा है ना, वो करना. मैनी ऑफ यू हैव सीन कि मैं बहुत सारे जगह पे ना अभी मैं थोड़ी एक्टिव हूँ. यू नो मैं जैसे बोलते हूँ लाइक 0.1% चांस ऑल्सो, इफ आई कैन हेल्प एनी वन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. तो अभी मैं शॉमिक के लिए बना रही हूँ, शॉमिक को रोटी पसंद नहीं है तो मैं उनको ना ऐसा थोड़ा पराठा टाइप बना के दे रही हूँ. एंड मैंने अपने लिए एक रोटी बना लिया है. तो राय ने नहीं खाया, सिर्फ उसने थोड़ा राजमा खाया. एंड मुझे ना आज बहुत दिनों के बाद ना मैंने इतना भागम भाग किया. रिमेम्बर पहले मैं इतनी भागम भाग करती थी, पर अभी तो ऐसा होता ही नहीं है. तो अभी ना मैं थोड़ी टायर्ड नहीं हो गई, मुझे ना खाने का मन नहीं कर रहा है. एंड ये पापड़ ना ये साबूदाने का ही पापड़ है, पर ये ना मुझे लगता है साबूदाना को जैसे होते है ना उबाल के फिर थोड़ा पीस के ऐसा कुछ करते है ना, वैसा क्या हुआ है. मुझे ना वो ये सब पापड़ पसंद नहीं, मुझे वो साबूदाना का पापड़ पसंद है जिसमें होता है ना ऐसा साबूदाना करके ऐसा गोल रहता है, जब आप फ्राई करते हैं तो इतना ज्यादा फूल जाता है, मुझे वो ज्यादा टेस्टी लगता है.
एंड हाँ मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरा चटपटा इंडियन ग्रोसरी हॉल। चटपटा मैंने क्यों बोला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सामान आर चटपटा ओनली। आज मुझे लगा चलो मैं सिर्फ चटपटा सामान खरीदती हूँ, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं हम सबको इंडियन ग्रोसरी में बहुत एक यू नो वी ऑल लव इंडियन ग्रोसरी एंड स्पेशली चटपटा जो होता है स्नैक्स, वो हम सबको काफी पसंद है। तो यहाँ पे मैं मिठाई लाई हूँ, क्योंकि शौमिक को एंड राय को मिठाई बहुत पसंद है, स्पेशली शौमिक को पसंद है, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। फिर ये है खीर मोहन, ये एक बंगाली मिठाई टाइप है, मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ। दिस इज मैजिक मखाना, मैंने पहले भी दिखाया था, इसमें ना कैलोरीज बहुत कम है, सी इट इज ओनली 160 कैलोरीज है। तो मैं ऐसा आई थिंक सो दिस इज द मस्त मसाला, ये मैंने कभी नहीं खाया, वन ऑफ माई व्यूअर बोल रही थी ये बहुत अच्छा है, एंड ये भी बहुत टेस्टी है, क्लासिक पुदीना। तो मैं क्लासिक पुदीना दो लाई हूँ। फिर दिस इज द सिंपल सॉल्टेड, ये मैंने देखा नहीं, नहीं तो मैं सिंपल सॉल्टेड बिल्कुल भी नहीं लाती। तो यू नो अगर आपको ऐसा कुछ चटपटा खाने का मन है एंड इन लेस कैलोरीज, डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड ये हल्दीराम का है, फिर ये भी हल्दीराम का है, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड इट मुझे जरूर बताना। दिस इज द गुपचुप पीनट्स, ये बहुत टेस्टी होते हैं। दिस इज शक्करपारा, ये मैं एक ही लाई हूँ खरीद के। फिर यहाँ पे है मेरा फेवरेट 50-50 बिस्किट, एंड टॉमिक एंड राय को बॉर्बन बहुत पसंद है। एंड ये नूडल्स ना जब मैं छोटी थी तब मैं हॉस्टल में मैं बहुत लेती थी, तो वाई वाई कुछ एक बोलते या आप लोग बोल लेना क्या बोलते हैं। तो ये मैं चार पैकेट खरीद के लाई हूँ, एंड दिस इज मैंने हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई किया था, ये काफी डिफरेंट है। दिस इज ए फ्रूटी परोटा, ये एक्चुअली मैंगो पराठा है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस वन। ये बहुत टेस्टी होता है, टोटली डिफरेंट। तो ये मैं लाई हूँ, एंड ये मूली पराठा, दिस इज फॉर इमरजेंसी, ये हम लोग नहीं खाते, यू नो कभी कभी होता है जब यू नो यू डोंट फील लाइक मेकिंग, तो ये वो इमरजेंसी के लिए है। एंड वेजेस यहाँ पे है भिंडी, भिंडी मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक शॉप में ना रूल है आप इसको भिंडी को ऐसा तोड़ नहीं सकते हैं, तो जनरली मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, यू नो वो लोग ने लिखा हुआ है कि इसको मत तोड़ो तो मैं नहीं तोड़ती हूँ, पर भिंडी काफी अच्छा है। तो ये रहा सारे चटपटा खाने का सामान। तो फाइनली हम लोगों को दिखाना हो गया, एंड ये ना हम लोगों के घर के इतने करीब है, लाइक अभी कार रख के मैं और राय वॉक करके जा सकते हैं, अगर वॉक करके जाएंगे तो ऐसा 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा। चलिए अभी मैं घर में जाके आपको बताऊंगी। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ, एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो लोग जनरली पूछते हैं ना कि ओह आपको कैसा पता चला हम लोगों के बारे में, तो डॉक्टर मुझे पूछ रहे थे लाइक अब तुमको कैसा पता चला हम लोगों के बारे में, आई मैं बोल रही हूँ बाय मिस्टेक, तो डॉक्टर बोल रहे हैं ना अरे बहुत अच्छा मिस्टेक किया तुमने, मैंने बोला हाँ बाय मिस्टेक मुझे पता चला, ही वो लाइक हाँ हाँ ठीक है अच्छा मिस्टेक किया, पर एक चीज अच्छा हुआ ना बिकॉज यू नो ही इज नॉट कनेक्टेड विद द अदर डॉक्टर, लाइक एक कनेक्शन रहता है ना वो नहीं था ना, तो जो भी लाइक मैं जैसे बोल रही थी ना जो भी था उन्होंने बहुत फेयर लाइक बहुत ही अनफेयर नहीं था, ऐसा होता है ना कोई कोई बहुत बायस्ड होते है, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी उन्होंने बोला एक्चुअली राय का जितने भी विजडम टीथ है ना शी इज ओनली 12 ना, तो एक भी नहीं निकला एक्चुअली, सब अंदर अंदर में ही है। एंड जैसे वो राय को बोल रही थी कि व्हेन यू विल बी 18 तब तुम अपने सारे विजडम टीथ निकाल लेना, तो राय लाइक नहीं नहीं मेरा विजडम चला जाएगा, मैंने बोला अरे ये विजडम टीथ कोई काम का नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम ही देता है। तो ये भी जो है ना इसे मैंने आपको दिखाया ना, आई होप सो सम ऑफ यू आर डेंटिस्ट तो प्लीज मुझे बताना। तो ये जो है ना से ये हम लोग को निकालने को बोला है क्योंकि वो लोग बोल रहे कि ये इसको पुश कर रहे हैं। ओके तो डॉक्टर ने बहुत एक अच्छा चीज बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर ये वो लोग निकाल भी देते हैं
देन ऑल्सो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि ये स्ट्रेट हो जाएगा. ही वॉज लाइक किसी अगर ये निकाल भी देते ये तो टूथ ऐसा है ना, ये टूथ ऐसा ही रहेगा, ये तो अपने आप स्ट्रेट नहीं हो जाएगा ना. हाँ वो लोग मुझे बोल रहे थे कि फिर वो लोग यू नो दे विल मेक इट स्ट्रेट. हाँ लाइक ऐसा कुछ गारंटी नहीं है. तो ही वॉज लाइक कि 50-50 चांसेस है. तो ही पर वो बोल रहे थे कि अगर मेरी बच्ची होती तो मैं निकाल लेता. हो सकता इतना जल्दी नहीं निकालता पर मैं निकाल लेता. तो वही अभी हम लोग सोच रहे लाइक मैं सर्जरी के लिए मैं डेट लेके आई हूँ. पर क्योंकि ना अगर कोई टूथ ना अगर ऊपर लाइक साम निकल के आ जाए ना देन इट्स वेरी इजी. जैसे मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी ना अरे बहुत इजी है ऐसा. पर क्योंकि उसका अंदर में है ना इट विल टेक टाइम. जैसे कि सर्जरी के लिए दे टोल्ड इट विल टेक अराउंड 1 आवर एंड उससे पहले लाइक 6 आवर्स से पहले उसको कुछ खाना नहीं लाइक शी कान हैव एनी थिंग. फिर बोला है क्या चाहिए यू नो यू वॉन्ट टू डू लोकल नहीं तो लाफिंग गैस देते नहीं तो फुल एनेस्थेशिया करेंगे क्या करना है. तो मैं शॉमी को बोल रही थी एंड नो हम दोनों वी आर लाइक क्या बोलूं वेरी प्रोटेक्टिव पेरेंट्स रहते हैं ना. एंड ऐसा सुनेंगे तो थोड़ा सभी को ऐसा लगता है ना करेंगे कि नहीं करेंगे व्हेन द चांसेस आर 50-50 ना. सी मेरा बेटा टीथ कितना गंदा है कुछ भी नहीं होता है. बट डेफिनेटली राय का अगर आप नीचे का टीथ देखेंगे ना मेरा वैसे नीचे का टीथ इज परफेक्ट. एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा फुल स्ट्रेट है, कुछ कुछ टीथ तो ऐसा ऐसा रहता ही है. तो अभी शॉमी तो सुन के ही बोल रहे 50-50 चांस है कोई जरूरत नहीं है. एंड हाँ मैं जैसे बोल रही थी ना बहुत जन तब मैंने जब बोला था बहुत जन बोल रहे थे अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है यू नो एक दिन में ठीक. तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं एटलीस्ट 3-4 डेज फुल मुंह सूजा हुआ रहेगा. तो डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा करो कुछ ऐसा थर्सडे में जैसे बोल रही थी थर्सडे फ्राइडे को करो क्योंकि लाइक यहाँ पे दिस थिंग इज गुड यू नो. वो ऐसा झूठा झूठा दे डोंट गिव एनी दिलासा. तो ही वॉज लाइक नहीं ऐसा यू नो 3-4 दिन बहुत मुंह फुला हुआ रहेगा ऐसा लिक्विड खाना पड़ेगा 2-3 रोज तो फुल लिक्विड ही खाना पड़ेगा. तो अभी देख रहे हैं प्लीज इफ एनी ऑफ यू आर डेंटिस्ट आप लोग भी अपना सलाह देना ना. मैंने बहुत दिखाया है कि ये अगर कहाँ पे गया हूँ मैं गलत दिखा रही हूँ कि ये अगर निकालेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा ना ये तो ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा. तो शौमिक बोल रहे हैं कि चलो हम लोग फिर एक बार जहाँ पे हम लोग राय के ब्रेसेस करते हैं वहाँ के मेन डॉक्टर है. तो शौमिक वाज लाइक कि चलो एक बार हम लोग फिर मेन डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं. व्हील से कि नहीं हम लोग को डर लग रहा है हम लोग अभी नहीं निकालेंगे लेट्स सी वो क्या बोलते हैं. तो चलिए आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ. आप लोग बताना ना आप लोगों का ओपिनियन. तो इट इज 5:20 एंड चलिए उसके साथ ये दिन भी खत्म होता है. अभी मैं टॉवल सारे चेयर से लेके नीचे जाऊंगी क्योंकि मुझे एडिटिंग करना है बिकॉज इस वीक मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 5 डेज से मैं पहले बनाती थी 5 डेज मेरा वीडियो आएगा. तो चलो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सेफ है अच्छे से है एंड डेफिनेटली मज़े से भी लीजिएगा. ज़्यादा टेंशन लाइक दिमाग पे ज़्यादा मत इतना ज़्यादा मत सोचिएगा. एंड हाँ जाने से पहले बहुत दिनों के बाद मैं बोल रही हूँ इस वीडियो को एक लाइक एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब. तो चलिए बाय बाय.